ये क्वेश्चन नंबर 11 2016 में आया हुआ है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा हमें, देखो गिवन हमें क्या क्या वो लिख देंगे हम। पहले गिवन है हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 6 अंडर रूट 3 टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो कितना आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है हमें 6 अंडर रूट 3। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 टू जा एक बोलो वैसे ही कर देते हैं इसको सिंपली। तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा 6 अंडर रूट 3 अपॉन में 12 है, 6 टू जा 3, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी 30 डिग्री। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, जहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, एंड एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड इसका, तो टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड वी गेट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो इट इंप्लाइज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो 4 का मैग्नीट्यूड 3 का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ठीक है, एन कैप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंस एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर सो एन कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, और साइन थीटा के लिए भी लिखते हैं ना आपकी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, देखो 4 इंटू में 3 इंटू में साइन 30 होता है 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में आपको, बताओ ये वाला 11th। अब नेक्स्ट करते हैं।